एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कंटिन्यू दिखाओ देखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। रोक भाई, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। क्या फंक्शन दे रखा है हमको? जो फंक्शन दे रखा है वो है एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार ग्राफ की बात चल रही है तो बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस, और माइनस वन से वन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, माइनस वन से वन। अच्छा, अगर माइनस वन से वन की बात करें तो माइनस वन से वन के बीच में हर नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा वन से छोटा होगा। अगर किसी नंबर का मैग्नीट्यूड मान लो वन से छोटा होता है तो उसकी बड़ी पावर का मैग्नीट्यूड और छोटा हो जाता है। ओके, अभी देखते हैं। या अगेन डिस्कस द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल। ठीक है भाई, तो माइनस वन से वन में उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। चल, एक्स माइनस, या तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। इसको हम बड़े आराम से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जरा देखो, ग्राफ बनाते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और दूसरा ग्राफ बनाते हैं वाई इक्वल टू एक्स का। मतलब बिना इसके बनाए डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, लेकिन आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा आ जाएगा और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 1, 1। अब समझो, आओ पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लें। अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहें, आप सोचो केवल माइनस वन से वन के बीच में देखना है, जीरो से वन के बीच देखोगे तो एक्स एक्स स्क्वायर से बड़ा ही होगा। यानी जीरो से वन के बीच में अगर आप बात करोगे तो ये पॉजिटिव बन के ही खुलेगा जीरो से वन। ये लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप बात करने लग जाते हैं, सर माइनस जीरो, सोचो माइनस वन से जीरो के बीच में एक्स नेगेटिव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन लगाए तो वो भी नेगेटिव, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पूरी नेगेटिव, और अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पूरी नेगेटिव तो मॉड ऐसे खुलेगा। ये हो गया माइनस वन से जीरो। यानी फंक्शन बहुत ज्यादा सुंदर आ गया। फंक्शन कैसा निकल के आ गया? फंक्शन निकल के आ गया एक्स स्क्वायर जीरो से वन में, और यही फंक्शन निकल के आ गया टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन से जीरो। कर ली भाई साहब। अब समझो, ये आ गया, क्या है? जीरो। एकलौती जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, एकलौती जगह जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वो कौन सी है? जीरो। जीरो पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेकिन जीरो पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी क्योंकि जीरो पर ये भी लिमिट जीरो और जीरो पर ये भी लिमिट जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो पर क्लियरली जीरो आ रहा है। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, डायरेक्टली रख के देख सकते हैं। तो यानी फंक्शन बेहतरीन कंटिन्यू। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे पूरे ब्रह्मांड में डिसकंटिन्यूटी कितनी जगह आ सकती है? 5 जगह। लेक्चर नोट्स पढ़ो, लेक्चर देखो, पूरे ब्रह्मांड में डिसकंटिन्यूटी कितनी जगह आ सकती है? 5 जगह। और उन 5 जगहों में से यहां एक भी मौजूद नहीं है। तो वैसे भी माइनस वन से वन के बीच में फंक्शन बेहतरीन कंटिन्यूअस।